हाय फ्रेंड, दिस इज केशव फ्रॉम exam.com एंड मोस्ट वेलकम इन द लेक्चर ऑफ ट्रिक ऑफ वाइंडिंग नंबर 4 एनडीए। इस लेक्चर के नोट्स आप exam.com/130444 पर फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ तक ट्रिक्स की बात है, हमने इस लेक्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है आपका डेसिमल टू वाइनरी कन्वर्जन। आपको डेसिमल नंबर दिया रहेगा और आपको वाइनरी नंबर उसका फाइंड करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल में ही आते रहते हैं। एक या दो क्वेश्चन अगर आप हमारे लेक्चर में देखेंगे तो हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप खुद देख सकते हैं उसमें। और एक बड़ा इजी ये चीज़ होती है सारी, अगर आपको एक बार मेथड पता चल गया तो आप इजीली इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे। फिर दूसरा होता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। आपको बाइनरी नंबर गिवन रहेगा और उसको आपको डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा, वो वाले क्वेश्चन होते हैं। और फिर तीसरी एक जो कैटेगरी है वो है अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी होते हैं, आपका एडिशन परफॉर्म करना है या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आए और आई होप डिवीजन वाले नहीं ही आएंगे आपके लिए। मल्टीप्लिकेशन वाला आ सकता है तो उसके जो मेथड है और कैसे चेंज करते हैं, कैसे वो, उन सारी चीज़ों को हम रिवीजन वाले में भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं और यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने हमारा रिवीजन वाला जो लेक्चर था वो देख रखा हो ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको और बेटर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल से आपको कोई नंबर दिया हुआ उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ नंबर 235 इन डेसिमल सिस्टम इट्स कन्वर्टेड इनटू बाइनरी सिस्टम देन व्हाट इज द रिजल्टेंट नंबर। ये आपको नंबर दिए गए हैं और इसका आपको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि या तो आप प्रॉपर मेथड से जाएं, 235 को आप 2 से डिवाइड करें और फिर आंसर फाइंड करें। दूसरा ट्रिक ये है कि आप इन सारे ऑप्शंस को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लें। अब कहाँ पर कौन सी लगाएंगे ये आपको थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है और प्रैक्टिस करके आप इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर चारों ऑप्शन चेक करें, 235 चेक करें, तो शायद मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप इनमें बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करें, पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, और अगर आपका आंसर डी हुआ तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर भी आपको तीन, अगर ऑप्शन डी हुआ तो भी आपको तीन ऑप्शन तो चेक ही करने पड़ेंगे। तो क्योंकि बड़ा नंबर है तो इसलिए फिलहाल हम इसका डेसिमल ऑप्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ही इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। अब बाइनरी इक्विवेलेंट की जो डिटेल प्रोसेस है वो हमने रिवीजन वाले लेक्चर में डिस्कस करी हुई है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको उसका ओवरव्यू बताऊंगा। तो सिंपल है, आप 235 है आपको, बस हम कैसे करते थे, तो ये आपका 235 आ गया। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करता जाऊंगा और जो डिवीजन रिमाइंडर बचेगा उसको लिखता जाऊंगा। तो 2 से डिवाइड किया मैंने, 2 वन ज़ा 2 आपका 0 आ गया, फिर 2 वन ज़ा, फिर मैंने 2 से 2 किया तो 2 वन ज़ा 2, 2 माइनस 3 आपका 1 आ गया, ये आ गया 15, 2 वन ज़ा आ गया तो 15, तो 2 सेवन ज़ा 14 और 14 माइनस 15 आपका आ गया 7, और आपका जो 14 माइनस 15 आपका आ गया 1 और 2 सेवन या 14। हिंदी में बताऊंगा आपको, 2 एकम 2, तो एक एक से डिवाइड हुआ ये, फिर मैंने इसमें किया 2 एकम 2, आपका 1 आया, आंसर 1 बचा, 1 रिमाइंडर हो गया ये 1 और 15, और 15 मैंने 2 से 14 और 1 आपका आ गया यहाँ। फिर मैंने 2 से इसमें डिवाइड किया, 2 फाइव या 10 और फिर ये 17 है तो 2 8 या 16 और जो आंसर आपका वो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा। फिर 2 से मैं डिवाइड करूँ, 2 2 या 4 और 2 9 या 18 पूरा डिवाइड हो गया। फिर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड किया, 2 1 या 2 एंड ये वाला मैंने इसमें लिया तो 2 4 या 8 आपका रिमाइंडर 1। फिर 2 7 या 14, फिर 2 3 या 6, फिर
टू वन जा टू और जो आपका रिमाइंडर आया वो वन। अब इस तरीके से ये वाला नंबर आ गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें हम कैसे लिखते हैं, नीचे से लेके हम ऊपर के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो क्या आ गया आपका, वन वन वन, 3 बार 1, 0 1 0 1 1, ये आपका इक्विवेलेंट आ गया 1 2 3 5। तो अगर आप ऑप्शन से भी चेक करें तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह से सॉल्व कर लें तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली आपको, तो ज्यादा इजी पड़ेगा अगर आप इसको डायरेक्टली ही सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आपका आंसर आ गया वो बी आ गया, और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सिर्फ, इसमें एक छोटी सी राइटिंग मिस्टेक है, वन यहाँ पर और आ जाएगा, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1 1 0 1 1 इस तरह से आ जाएगा। एक बार मैं इसे और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमने 2 3 5 लिखा, फिर 2 से हमने इसे डिवाइड किया तो 2 बन जा 2, फिर 3 3 आ जाएगा उसमें नीचे, फिर 2 बन जा 2 बन जा 2, फिर जो रिमाइंडर बचा वो बन बचा है, यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 2 7 जा 14, 14 माइनस 15 आपको रिमाइंडर बनाया, फिर 1 1 7 मैंने डिवाइड किया 2 से, 2 5 जा 10 और आपका फिर हो गया ये 17, फिर 2 8 जा 16, फिर बना गया। इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे और इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो ये था गाइस हमारा पहला क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन है 2016 में, अच्छा क्वेश्चन था। आप यहाँ से डायरेक्टली इस चीज को कैलकुलेट कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप करेंगे तो ये इस तरह के क्वेश्चनों में कभी भी छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं होते, हमेशा आप इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में करके आइए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, आपको 251 लिखा हुआ है, इसको आप डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 251 कैसे करते थे हम, 2 2 बन जा 2 आ गया 0, 2 2 जा 4 आ गया 11, 2 5 जा 10 रिमाइंडर आपका आ गया 1, फिर 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 फिर रिमाइंडर 1, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0 आ गया रिमाइंडर, 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ गया, 11 में से बन गया 1 आ गया आंसर रिमाइंडर, 2 2 7 जा 14, 1 2 2 3 जा 6, 1 2 से फिर डिवाइड किया, 2 2 बन जा 2 और 2 में से 3 गया 1। तो ये इस तरह से आपका आंसर आ गया। कई बार स्टूडेंट्स नीचे वाली स्टेप में मिस्टेक कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ से किया, आपको मैं दिखाऊं कहाँ स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते हैं। 7 आ गया यहाँ से, यहाँ ऊपर हम करते जा रहे हैं, अब हमने 2 से किया तो आ गया आपका 2 3 जा 6 आ गया, यहाँ पर आपका 6 6 माइनस 1 1 यहाँ पर लिख दिया। अब ये नीचे वाली स्टेप है, मान लीजिए ये, अब यहाँ पर हम 2 से 3 को डिवाइड कर 2 से फिर डिवाइड करेंगे 3 को, तो 2 बन जा 2, तो वो क्या करते हैं कि 2 1 जा 2 और ये लास्ट का 2 यही लिखा रहने दिया। अब ये आपकी गलती हुई, क्योंकि 2 1 जा 2 और 3 माइनस 2 1 वो भी यहाँ पर आएगा, तभी ये एक्सप्रेशन सही होगा। तो ये भी लास्ट में जो रिमाइंडर है वो भी लेना है, और ये वाले रिमाइंडर भी लेने हैं क्योंकि हम रिमाइंडर ही ले रहे हैं। तो आपके कितने 4 आ गए लास्ट में, 1 2 3 4 5, मतलब अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो स्टार्टिंग में 5 4 5 5 टाइम्स 1 एंड लास्ट में आपका 0 1, तो ये वाला जो आपका आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा बहुत ही इजी करना होता है इस तरह के क्वेश्चनों को, आप सिंपल 2 से डिवाइड कर दिया और थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आप उस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। आपको जो हमारे नोट्स का सोल्यूशन है वो ये है, इसको ये एक बुक की फॉर्मेट है, बुक में ऐसा करके लिखेंगे और इसे नीचे से ऊपर की फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, फिर सेम क्वेश्चन है आपका 292 का, आपको बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। 292 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 आपका रिमाइंडर 0 बच गया, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 15
फिर 0 बच गया आपका रिमाइंडर, 2, 2 3 जा 6 और ये आपका होगा 13, तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। फिर 2 से फिर डिवाइड किया, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया आपका, 2 9 जा 18, 18 18 रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया आपको, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आपको जो आ गया 2 1 जा 1 आ गया, और जो रिमाइंडर आपको आ गया वो फिर 0 आ गया। रिमाइंडर आपको हर बार ही लिखना है, आप कहीं भी इसमें मिस्टेक नहीं करें रिमाइंडर लिखने में। ये वाला रिमाइंडर भी 2 से जब 2 जाएगा तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आएगा। अब बस सिंपल है, आप इसको नीचे से ऊपर के फॉर्मेट में लिख लें। इसे लिखेंगे क्या आएगा, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, आपका सी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 3 क्वेश्चन करके दिखाए, कितने इजीली ये क्वेश्चन हो जाते हैं। बस आपको सिंपल ये फॉर्मेट याद रखना है और 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर को याद रखते हुए आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए अब एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन वाला देखते हैं हम कैसे होता है। फ्रैक्शन वाला है ये, फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। हमने आपको मेथड रिविजन वाले में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर निकाल के। पहले 13 का करते हैं, 13 का बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपको, 2 6 जा 12 रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1। तो जो आपका आंसर आ गया वो आपका आएगा 1 1 0 1 1 0 1, ये आपका आ गया 13 का इक्विवेलेंट। अब 0.65 का कैसे निकालते थे हम, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 5 दूनी 10 0, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12। पॉइंट के आगे जो लिखे आएगा नंबर वो हम उसे इधर लिख लेंगे, ये हमारा नंबर आ जाएगा। पॉइंट के बाद बचा 0.25 × 2 आ गया, ये 0.5 आ गया। पॉइंट से पहले आपका जो नंबर आया वो 0 आ गया, फिर 0.5 × 1 आपका आ गया 1.0, और आपका जो नंबर आ गया वो 1 आ गया। मतलब आपका जो नंबर आ गया वो 101, ये आ गया बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.625। बस आपको जो इसका है तो 13 ये वाला आ रहा है, और आपको जो बाइनरी इक्विवेलेंट इसका है, ये आपका आंसर आ गया। अब इस तरह से हमने 3 4 क्वेश्चन डिस्कस करे। फिलहाल इसमें 0.625 है, और अगर कोई ऐसा नंबर होता लाइक 0.9 जैसे हमने रिवीजन वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो क्या हम क्या करते, हम इसमें देखते कि ये कहाँ तक रिपीट हो रहा है, और जब जहाँ से भी ये रिपीटिशन स्टार्ट कर दे वहाँ से हम इसको रुक जाते इसको सॉल्व करना, और उसके नीचे तक का वो आंसर हो जाता है। बस इसमें आपको ऊपर से नीचे लेते हैं, ऊपर से नीचे वाला आंसर होगा, इसमें हम नीचे से ऊपर वाला जो आंसर होगा वो उसको लेते हैं। तो इसी तरह के सारे इसी पैटर्न पे सारे ही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिखाऊं, ये वाला क्वेश्चन मैं क्लीन कर रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन, ये वाला मैंने आपको आपको करके दिखाया 2। तो अगर बाकी हमने जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस में डाले हुए, जैसे बाइनरी इक्विवेलेंट 182, अब सेम उसी तरीके से 2 से डिवाइड करके होगा, फिर 292 हमने कर ही दिया, फिर ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया। तो कुछ क्वेश्चन आपको इसमें भी दिए गए हैं 182 वाला, ये आप खुद से करिए, खुद से ट्राई कीजिए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। नाउ हम डिस्कस करते हैं अनदर पैटर्न, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर आपको बाइनरी दिया हो तो उसका डेसिमल कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए बाइनरी से डेसिमल के लिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1011, इसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करना है, जो आपका बेस 10 में होगा। ये वाला जो है वो आपका बेस 2 में होगा। तो कैसे फाइंड करते हैं,
हम सिंपल लिखते हैं 1011, इसको लिखते हैं हम 2 × 0 + 1, फिर इसको लिखते हैं ये वाला 1 × 2 की पावर 1, फिर प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 3, मतलब ये आपका आ गया 2 + 1, ये वाला आपका आ गया 2, ये 0 के कारण 0, ये वाला आपका आ गया 8, आपका जो आंसर आ गया वो 11। अच्छा, ये तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, लेकिन जब भी आप एग्जाम में करें तो आप डायरेक्ट ही इसको कर सकते हैं। जैसे कैसे, 1011, सिंपल आपने किया, ये पहला 1 आएगा, ये 2 से इसमें गुणा होगी, ये 4, ये 8, तो जैसे भी आपका आ जाए, जैसे आगे होता है 1 1, तो 16, 32, मतलब 2 की पावर्स में आप इसको मल्टीप्लाई करते, और सिंपल आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते, 1 प्लस, इनको मल्टीप्लाई किया 2, 0 वाले को छोड़ दिया, 8, आपका आंसर आ गया 11। तो इस तरह से हम जहां भी एग्जाम में कैसे करेंगे कि सिंपल 0 1 2 4 8 16, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उन नंबर्स को, और बन बन वाले नंबर्स को जोड़ लेंगे। जैसे अगर ये वाले बन भी और होते तो +16 + 32, इस तरह से हम सारे नंबर्स को ऐड कर लेते और आपका आंसर आ जाता। तो एग्जाम में आप 1 2 4 8 से डायरेक्ट ही मल्टीप्लीकेशन कर ले, या 2 की पावर्स में भी आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट करें और रेस्ट ऑफ द पावर्स से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो इसी तरह से आप सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन वाला दिया गया है, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हम कैसे बनाएंगे, ये हो गया 1 आपका, ये 1 हो गया, मतलब 1 × 2 to the power 0, ये वाला पता नहीं, ये 0 × 2 to the power 1, जहां भी 0 होगा हम खुद ही जोड़ देंगे, और ये वाला ये हो गया 1 × 2 to the power 2, तो ये 4 और ये 1 5, तो हम सीधे इसे देख के बता सकते हैं कि ये वाला 4 4 वाले प्लेस पे, जैसे कैसे, ये 0, ये 1, ये 2, तो 2 to the power आपका 1 आ गया, 2 to the power 2 आ गया 4, और ये 1, ये आपका आ गया 5। अब इसको कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए, ये है 0.101। आपने देखा होगा कि हम इसमें हम कैसे कर रहे थे, हम इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इस चीज को हम लिख रहे थे कि 1 × 2 to the power 0 प्लस 0 × 2 to the power 1 प्लस 1 × 2 to the power 2, हम इसको ऐसे लिख रहे थे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस पॉइंट आ गया तो हम लिखेंगे 0.1, पॉइंट आ गया, पॉइंट हटा देंगे, 1 × 2 to the power -1, क्यों, क्योंकि 0 यहाँ पर एंड हो गया, तो माइनस में पावर स्टार्ट हो जाएगी, 0 × 2 to the power -2 प्लस 1 × 2 to the power -3, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, आपका 1/2 आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 1/, ये 1/4 के साथ आएगा 0, ये 1/8, तो 1/2 प्लस 1/8, मतलब ये आपका 1/2 आपने कॉमन ले लिया, तो आपका आ गया 1 + 1/4, यानी 1/2, 1 + 0.25, यानी 1.25/2, तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसे डिवाइड कर ले 2 से 2 6 12, और जो आपका पहले आप पॉइंट यहाँ से हटा सकते हैं, इसे डायरेक्टली आप डिवाइड कर ले, क्योंकि पॉइंट जो आपका आएगा वो पहले आ जाएगा, तो आपने फिर 4 5 आ गया, तो 2 × 2 = 4 और 1 बच गया आपका रिमाइंडर में, तो ये आपका आ जाएगा 0.0625। तो इस तरह से आपने यहाँ लिख लिया 5 को, और फिर आपका आ गया 0.625, जो आपका आंसर आ गया वो आ जाएगा ये सी। दूसरा मेथड क्या है, आप डायरेक्टली यहीं से इसे पूरे एक्सप्रेशन को, जैसे इसमें किया गया पूरे एक्सप्रेशन को आप पुट कर दें, 2 to the power यहाँ 0 तक किया, ये जो आपका 5 है 5 के लिए आपने कर लिया, ये वाला 5 का एक्सप्रेशन, प्लस 2 to the power -1 के साथ आप इस पीछे वाले एक्सप्रेशन को स्टार्ट कर दें और पूरे को सॉल्व कर लें, तो भी सेम ही आंसर आपका आता है। तो या तो आप ऐसे करें, वो सेम ही बात है, या आप ऐसे करें, एक ही बात है। बस आप ध्यान रखें कि जब भी पॉइंट के बाद वालों को आपको निकालना होता है वैल्यू इक्विवेलेंट,
तो 2 to the power जो चलती है वो माइनस में चलती है, माइनस में आप उनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसे मैं रिमूव करता हूँ, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम इस पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ये दिया हुआ है, मतलब लिखे तो इसमें बाइनरी नंबर्स ही हैं, ये कुछ कुछ जीरो जीरो हैं और आपको सब्सट्रैक्ट करने को दिया गया है 1011, इसको सब्सट्रैक्ट करने को बोला गया है। लेकिन अगर हम सब्सट्रैक्ट भी कर दें बाइनरी नंबर में, तो जो आपका नंबर आएगा वो 10010 के फॉर्म में कुछ भी नंबर आएगा, लेकिन आपको आंसर क्या दिया हुआ है, डेसिमल इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो अगर मुझे यहाँ पर बाइनरी सब्सट्रैक्शन देके बाइनरी ही पूछा होता तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता अलजेब्रा वाला, अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर, तो हम डायरेक्ट बाइनरी नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते और बाइनरी नंबर हमें मिल जाता। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे सब्सट्रैक्ट करें और फिर इसको डेसिमल में चेंज करें, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बजाय कि हम इनको ही डेसिमल में चेंज कर लें यहीं पर, इसको भी डेसिमल चेंज कर देंगे, इसको भी डेसिमल में चेंज कर देंगे और डेसिमल में चेंज करके हम उनको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा आपका वो सेम ही डेसिमल में खुद ही आ जाएगा, तो इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे, तो सबसे पहले क्या करते थे, ये आपका 1 का 1 ऐसे ही रखा, तो 2 to the power 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आ गया 2 to the power 9 इंटू 1 प्लस 2 to the power 1 इंटू 1, तो 2 to the power 9 प्लस 2 to the plus 1, ये आपका आ गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे 2 to the power 9 को, फिर इसका हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे कैसे आएगा, -1 -2 यानी 2 to the power -2 प्लस -1 -2 -3 -4, 2 to the power -4 यानी 2 to the power 9 प्लस 1 -1/4 प्लस 1/16, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वाला जो आपका आ जाएगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 9 लिखेंगे हम, 512, 512 प्लस 1 513 और -1/4 प्लस 1/16, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस आपने देखा इस तरह से कि हमने बजाय कि इसको यही सॉल्व करने के, यही सब्ट्रैक्ट करके हमने बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड कर लिए और बाइनरी इक्विवेलेंट ओ सॉरी डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड कर लिए और उनको सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। तो इसका डिटेल जो सॉल्यूशन है वो आप मैं आपको शो करता हूँ, ये आपका 512 प्लस 1 513 हो गया और 1/4 प्लस 1/16 आपने सब्सट्रैक्ट कर लिया, और सब्सट्रैक्ट करके जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ यही बताने के लिए था कि आपको अप्रोच अपने आप से नहीं लगानी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी शॉर्टेस्ट मेथड हो, जो भी अच्छा मेथड हो, वो ही फॉलो करें। तो इसके बाद एक नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स ने तो देख के ही घबरा गए वो, कि ये कहाँ आ गए हम इस क्वेश्चन में, क्या करें। आपको क्लियरली मेंशनड है कि ये सारे बाइनरी नंबर है, क्यों, क्योंकि इनके जो वेस है वो सबके 2 दिए गए हैं, तो जो पावर में है वो भी सारे 2 है और जो ये वाली चीजें हैं वो भी सारी 2 ही है। तो आपको पूछा गया है कि ये सारी पावर्स में चीजें हैं तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के लिए सेम बाइनरी में ही दिए गए हैं और बाइनरी में ही आपको आंसर करना है। अब एक तो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया है, आप जब भी बड़े से एक्सप्रेशन दिया गया हो तब तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होता होगा। हालांकि आप नॉर्मल अप्रोच से भी जा सकते हैं, इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, फिर ये जो पावर है ये आपको 1 1 आती है 3 3, इसे पावर्स को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ये वाली पावर 2, ये वाली पावर 1, ये वाली 1, ये वाली 2, तो पावर्स को डेसिमल में कर लें, नीचे वाली क्वांटिटी को डेसिमल में कर लें और आपका जो आंसर है वो इस तरह से हम फाइंड कर लें। ये भी एक अप्रोच है कि सबको डेसिमल में कन्वर्ट करके और लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके आप उसका आंसर फाइंड करें। लेकिन अगर आप थोड़े से ध्यान से देखें तो मैंने क्या किया कि पावर्स को मैंने डेसिमल में चेंज किया 3 3, इस वाली क्वांटिटी को मैं सपोज कर रहा हूँ ए, इस वाली क्वांटिटी को मैं सपोज कर रहा हूँ बी, तो ये क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
पावर मैंने डेसिमल में चेंज की है। अब यहाँ से आप देखिए ये वाला की क्या ए नहीं है ये, हाँ ए ही है, ए स्क्वायर है माइनस, अगर आप ये इंटू ये मतलब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में ए और बी, तो ए बी प्लस ये वाला बी है, अगर आप ध्यान से देखिए अगर मैंने बी उसे रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा। अब आपके दिमाग की घंटी बज गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी केवल इसमें बच जाएगा और बाकी इस वाली ब्रेकेट से ये वाली नीचे वाली ब्रेकेट आपकी कट जाएगी। ए प्लस बी मैंने क्या रिप्लेस किया था, मैं ए और बी इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो 0.101 ये था और 110.0। अब मैंने एडिशन जब हमने रिवीजन वाले लेक्चर में अब डिस्कस किया था कैसे करते हैं इसका, 1 1 का आएगा तो 10 आएगा, 1 कैरी में आ गया 0 यहाँ लिख दिया, फिर 1 और 1 ऐड किया, फिर आपका ये 1 1 आ गया, 10 0 यहाँ आ गया कैरी, फिर 1 हो गया, 1 और 1 फिर 0 आ गया, फिर 1 यहाँ आ गया, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है, मैंने 3 के बाद पॉइंट लगा दिया और जो आपका आंसर आ गया वो फाइनली 1 ही आ गया। तो जो आपका आंसर हो गया वो डी आ गया। तो मैंने देखा कि आपने देखा कि किस तरह हमने इतने लंबे चौड़े से डरावने एक्सप्रेशन को किस तरह इजीली सॉल्व कर लिया थोड़े से एप्लीकेशन ऑफ माइंड को यूज करते हुए। एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या, कि ये ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला है, ये ए प्लस बी आ जाएगा, फिर मैं इसे ऐड कर लूंगा यहीं पर, ऐड करने पर सिंपली वो 1 आ जाएगा। दूसरा तरीका फिर जो सेम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या तरीका है कि इनको बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज कर लें और बाइनरी इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर लें। तो इसको बाइनरी इक्विवेलेंट में कैसे चेंज करेंगे, ये आ गया 1/2 आ जाएगा 0 प्लस 1/8 आ जाएगा, ये इसे सॉल्व कर लें, फिर ये इसका क्या आ जाएगा 0 1/2 1/4 का एक दूसरे वन के लिए 1/8 आ जाएगा, ये इसे सॉल्व कर लें और इनकी पावर्स को सॉल्व कर लें और फिर आ जाएगा। तो अगर हम इसमें भी देखें इसमें क्या आएगा 1/2 प्लस 1/8 प्लस, अब ये ए होगा अगर जैसे हमने अज्यूम किया था, ये बी होगा 1/4 प्लस 1/8 मतलब ए प्लस बी आपका आंसर आ रहा। तो यहाँ से भी देखें ये आ गया आपका 1/4, 1/2 प्लस 1/4 ये 1/8 1/8 1/4 आ गया, ये 1/4 1/4 1/2 आ गया, 1/2 प्लस 1/2 ये आपका 1 आ गया। इस तरीके से भी आप यहाँ पर डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं या आप पूरे से पॉइंट में फॉर्म में लिख के उस तरीके से भी जा सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 मेथड देखे, तीसरा मेथड मैं आपको नोट्स में लिखाता हूँ जो नोट्स में किया हुआ है। मैंने इनको वैनरी उसको डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज किया, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आया आपका 1/2 प्लस 1/8 5/8, फिर दूसरे वाले का निकाल लिया उसका आ गया आपका 3/8, फिर मैंने 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला 3, फिर 1 0 का निकाला 2 और इस तरीके से फॉर्म को चेंज कर लिया मैंने पूरे डेसिमल को, जैसे हमने वहां पर किया था यहाँ पर इन्होंने इसे इस तरीके से कर लिया 5/8 3/8, बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लिया, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और 5/8 प्लस 3/8 आपका 8/8 आपका 1 आ जाएगा और 1 का बाइनरी आपको 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं या हम डायरेक्टली ही थोड़ा सा दिमाग यूज करके, आपको 3 3 पावर दी हुई है तो नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऐड कर देंगे, उस तरीके से भी आप इसे इजिली कर सकते हैं। तो गाइस ये थी 4-5 हमारी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की कुछ प्रॉब्लम्स, हमने एनडीए प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस के लिए दी हुई हैं, आप उन्हें खुद प्रैक्टिस करें। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या करते थे हम 2 की पावर माइनस में करके स्टार्ट हो जाते थे और इसको कैसे करते थे, फिर वही ये 2 की पावर 0 से इधर करेंगे और ये 2 की पावर माइनस 1 से इधर करेंगे, तो ये भी, तो ये सारी क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, प्रैक्टिस पे आपको सोल्यूशन शो नहीं हो रहा, आप खुद करें और फिर इन्हें आप जो है वो आंसर देखें। तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारी अलजेब्रा ऑफ बाइनरी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही मेनली पूछी जाती है तो हम उन्हीं के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए एडिशन का एक एग्जांपल लेते हैं, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि डिवीजन पे तो क्वेश्चन आए ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन पर भी एनडीए में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, आपको सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ध्यान से कर लेना है। आप अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझ गए तो सिंपल आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हमारा हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, एडिशन के लिए क्या था, 0 प्लस 0 आपका आता था 0, 0 प्लस 1 आपका आता था 1, 1 प्लस 0 आपका आता था 1, 1 और 1 आपका क्या आता था 0, और जो कैरी होता था वो अगर यहाँ पर कोई
नंबर होगा तो वहां नंबर के साथ ऐड हो जाएगा या कैरी वन, ये आपके एडिशन के लिए आते थे। सब्सट्रैक्शन के लिए हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तब समझेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1011.01, यहाँ है 11.1001। अब सिंपल आप इनको ऐड कर दीजिए, ये 11 आपको 0 कैरी, यहाँ पर इसका कैरी आ जाएगा 1, 1 और 1 फिर 0 आ जाएगा, कैरी इसका 1 आ जाएगा। अब तीन बार 1 आ गए तो मतलब क्या हो गया, डेसिमल में क्या क्या कहेंगे हम इस नंबर को, 3। अब जब हम ये वाला 1 आ गया तो इसका कैरी भी आ गया तो ये आपका आ गया 3। अब ये डेसिमल में हम इसे निकालेंगे 3, अब 3 को हम फिर बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 और 1 मतलब 1 आपका यहाँ आएगा और 1 इसमें से कैरी जाएगा, तो 1 ये आ गया, तो 1 और 1 फिर ये 0 आ गए, फिर यहाँ पर इसका कैरी आ गया 1, 1 और 1 1 आपका 0 आ गया, तो 10101 ये वाला आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह हम इसको इजीली कर सकते हैं। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे, आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ निकाल लीजिए और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ निकाल लीजिए और उनको ऐड करिए और उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। वो एक लेंदी मेथड होगा, लेकिन कभी अगर आपको फंस जाए, कभी नहीं आए, तो वो वाला भी एक मेथड है। या आप इसको उल्टा करके भी निकाल सकते हैं कि पहले हमने आंसर देख लिया कि कौन सा आंसर आ रहा है, आपने यहाँ पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया और इनको इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो मेथड तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट और इजिएस्ट मेथड है हमें वही फॉलो करना चाहिए। तो हमने ये एडिशन के लिए ये कर लिया। तो ये इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, मान ली यहाँ पर आपको 1 दिया होता और यहाँ पर यही होता तो हम क्या करते, पॉइंट के बाद 0 ऐड कर लेते और फिर उसको एडजस्ट करके आपको उसका एडिशन निकालते। ये कभी दिया हुआ, फिलहाल इस चीज में नहीं दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे कर लेते। जैसे अगर यहाँ पर अगर 1 दिया होता तो हम क्या करते, यहाँ पर 0 ऐड कर लेते और फिर उसका एडिशन निकालते। फिलहाल इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम इसको यूज, इन दोनों फॉर्मेट को यूज नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ ताकि कभी भी अगर ऐसा दिया गया हो। तो ये एडिशन का क्वेश्चन था। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं वो सब्सट्रैक्शन वाला लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको सब्सट्रैक्शन भी सिखाएगा। तो फिर मैं वो चीजें लिखता हूँ, एडिशन वाली मैंने लिखी थी, अब मैं सब्सट्रैक्शन वाली लिखता हूँ। 0 में से अगर 0 गया तो फिर 0 बचा, 1 में से अगर 0 गया तो फिर आपको 1 बचा, 1 में से अगर 1 चला गया पूरा तो 0 बचा, फिर 0 में से 1 गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, अगर 0 में से 1 गया, 0 में से कैसे बन जाएगा, 0 में से तो बन जाएगा नहीं, यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ होगा, लेट अस सपोज 1 लिखा हुआ है, तो 1 में से हम क्या लेंगे, बोरो लेते हैं। 1 में से जब हम बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 का मतलब 2, इस 1 का मतलब 1, मतलब डेसिमल में हम घटाए 2 - 1 आपका आ गया 1, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1, मतलब 0 में से 1 जाने पर भी 1 आता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो प्रीवियस नंबर होता है वो आपका 1 कम हो जाएगा, मतलब अगर प्रीवियस नंबर 1 है, यहाँ पर 1 है तो हमने 1 में से 1 ही बोरो ले लिया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 है तो 1 हो जाएगा और आगे वाले नंबर में से 1 आएगा। तो ये दो केस आपको ध्यान रखने होते हैं, जैसे एडिशन में आप 1 1 करते हैं तो आपका 0 आता है और 1 यहाँ आगे वाले कोई नंबर में ऐड हो जाता है, तो ये वाला नंबर सपोज ए है तो a+1 आएगा जो भी आएगा। ऐसे ही जब हम a 1 1 0 इसमें से जब हम माइनस करते हैं तो ये इसमें से ए में से 1 कम हो जाता है और यहाँ पर 1 आ जाता है। तो ये आप बोरो और कैरी का थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। बस कुछ नहीं, आपको 0 में से जब भी 1 करें तो आप 1 कर दें और प्रीवियस जो नंबर है वो 1 कम कर दें। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। पहले तो एडिशन है तो हम पहले एडिशन ही परफॉर्म कर लेते हैं। एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे, आपको है 1 1 1 1 1 0 0 1, इनका एडिशन निकालते हैं। 1 1 0 फिर आपका कैरी 1 आ गया, फिर 0 कैरी आपका 1 आ गया, फिर 0 फिर कैरी 1 आ गया, फिर 1 1 ये आपका आ गया। अब इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है 0 1 0 1। अब जैसे एक नंबर कम पड़ रहा है तो हम आगे 0 लगा लेंगे। अब इसे सब्सट्रैक्ट करने, 0 में से 0 गया 1, अब 0 में से 1 गया, अब 0 में से 1 कैसे जाएगा, हम इसे बोरो लेंगे, यहां से बोरो लिया आपका, जब यहां से तो बोरो आएगा नहीं फिर, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ बोरो एक्चुअल में यहां से आएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, जब हम यहां से बोरो लेंगे तो जब भी बोरो लेते हैं ये वाला नंबर चेंज हो गया, ये वाला बोरो हो गया, ये आ गया 1, तो
वन जीरो हो गया, ये वन जीरो में से, जब भी हम जीरो में से वन सब्सट्रैक्ट कर दें, मतलब जीरो में से वन सब्सट्रैक्ट करें, या वन जीरो आपका जो आ गया टू में से वन सब्सट्रैक्ट करें, वन आ गया, फिर यहाँ पर जो नंबर है वो आपको चेंज हो जाता है, ये उल्टा हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो फिर वन में से आप जीरो लगाए, जीरो सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर वन में से जीरो सब्सट्रैक्ट करने पर वन आ गया, ये आपका यहाँ पर फिर कम हुआ, क्योंकि एक्चुअल में बोरो तो यहीं से जाएगा, तो ये भी कम हो गया, ये क्योंकि वन था ये इधर चला गया वन, और फिर इधर से यहाँ ले लिया हमने वन, तो यहाँ पर जीरो हो गया, अब ये जीरो हो गया तो हम फिर से इधर से बोरो लेंगे, ये वन, अब ये वन की जगह जीरो हो गया, ये वन जीरो हो गया, फिर वन जीरो में से वन सब्सट्रैक्ट किया, वन आ गया, तो आपका जो आंसर आ गया वो वन वन जीरो आ गया। तो इस तरह से हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। सब्सट्रैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली भी इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। जैसे अगर हम डेसिमल में इसे कन्वर्ट करें तो ये आएगा आपका कैसे, 1 + 2 + 4 + 8, यानी 0 1 2 3, आपको 3 तक तक ही है हमने गा, तो 8 और 2 10 और 4 1 5, ये 15 आ गए। फिर आपका आ गया 1 0 1 2 3, 8 और 1 9, मतलब 9 और + 15 आपके ये हो गए 4 24, ये वाला आपका क्या आ गया 1, ये 2 to the power 1, 2 ये 2 to the power 2, ये 2 to the power 3, यानी 8 + 10, मतलब आपका आंसर आ गया ये 10 आ गया, तो 24 - 10 आपका आंसर आ गया 14। 14 का आप वापस बाइनरी इक्विवेलेंट इसमें से चेक कर लें कौन सा आएगा, अगर हम इसे चेक करें यूसी सही आंसर है 0 + ये वाला आ गया 2 + 4 + 8, 8 और 2 10 और 10 और 4 14, तो जो आपका आंसर आ गया 14। तो अगर आप सब्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, तो आप इसको डेसिमल में चेक करके, आप इसको डेसिमल में चेक करके और डेसिमल में सब्सट्रैक्ट करके और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख के उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्यूशन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, जैसे हमारे नोट्स में किया हुआ है, मैंने इसका बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड किया, वो 15 आया, इसका फाइंड किया 9 आया, फिर इस नीचे वाले का फाइंड किया 10 आया, मैंने जो फाइनल आंसर निकाला वो 14 आया, इसको मैंने बाइनरी में चेंज कर दिया और जो आपका आंसर था वो आ गया। तो आप डायरेक्ट भी उसे कर सकते हैं सब्सट्रैक्शन जैसे मैंने मेथड बताया, या आप उसको डेसिमल में चेंज करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है एनडीए 2008 का, आपको पूछा कि डिफरेंस इन दोनों नंबर्स का आपको डेसिमल में क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर इसके डेसिमल इक्विवेलेंट अगर आप फाइंड कर सकते हैं जल्दी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नंबर देखें तो ये नंबर थोड़े बड़े हैं और आप जानते हैं कि सब्सट्रैक्शन करने के बाद नंबर छोटे हो जाएंगे, तो आपको सब्सट्रैक्शन वाली ट्रिक ही ज़्यादा ईजी पड़ेगी। तो सब्सट्रैक्शन करते हैं 1 0 0 1 1 0 0, ये आ गया, फिर आपका आ गया दूसरा नंबर है 0 1 0 1 1 0 1 1 माइनस, ये वाला आप इसके नीचे भी जीरो लिख लें। अब इसे सब्सट्रैक्ट करें, इसे सब्सट्रैक्ट किया तो जीरो में से वन मैंने बोरो लिया, बोरो 1 0 आ गया, मतलब 1 0 2 हो गया, 2 में से 1 गया आपका 1 आ गया, ये वाला यहाँ पर 1 हो गया, फिर 1 में से 0 हो गया 1 आ गया, ये वाला आपका यहाँ हो गया 0, अब यहाँ पर 0 हो गया तो मैंने फिर बोरो लिया, फिर 1 आ गया, यहाँ पर आपका फिर 0 हो गया, फिर मैंने बोरो लिया यहाँ पर, फिर 1 आ गया, और फिर यहाँ पर ये जो सारे होंगे ये भी 1 हो जाएगा आपका, और ये 0 ये 0 ये 0 ये सारे 0 हो गए। तो अब मैं इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो फाइंड कर लेता हूँ, ये आपका आएगा 1 2 4 8 और 8 के बाद 16, तो 8 और 2 10 और 16 और 4 20, ये आ गया 20, ये आ गया 10 और 1, तो 20 और 10 30 और 1 31, मतलब आपका जो आंसर आ गया वो 31 आ गया, 31 आपका आंसर आ गया। फिर सेम मैं फिर दूसरी बात वही रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इनका डेसिमल इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लें, और डेसिमल इक्विवेलेंट जब आप फाइंड करेंगे तो जैसे पहले का हमने डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड किया लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद 140 आंसर आया, फिर दूसरे का डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड किया लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद आपका कुछ आंसर आएगा 109 आंसर आया, फिर उन्हें सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करने के बाद आंसर 31 आया। लेकिन अगर आप इसमें 2 की पावर 6 2 की पावर 5 ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन कर जाएंगे वो थोड़ी सी हैक्टिक हो जाएगी, तो
अगर आप सिंपल सब्सट्रैक्ट कर लें यहीं पर तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगी बजाय कि उस तरह की कैलकुलेशन करने के। चलिए इसको मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा देख लीजिए किस किस तरह से हमने सब्सट्रैक्ट किया। ये पहले हमने नंबर लिख लिए, अब जीरो में से वन जाएगा नहीं, तो मैंने इस वाले से बोरो लिया, इस वाले से बोरो लेने का मतलब है ये हो गया 1 0, फिर 1 0 में से वन मैंने सब्सट्रैक्ट किया, वन आ गया। अब यहाँ पर जीरो था, अब यहाँ से तो बोरो आएगा नहीं, एक्चुअल बोरो आएगा यहाँ से, तो आप ये कीजिए कि जहाँ से भी बोरो लिया मैंने वो उल्टा हो गया, तो जीरो का वन आ गया। तो अब इस वन में से मैंने ये जीरो सब्सट्रैक्ट किया तो वन आ गया। अब यहाँ पर जीरो, अब यहाँ पर जो वन की जगह था वो भी जीरो होगा, मतलब जहाँ से भी बोरो लेते हैं तो वन के पहले तक उसके पहले तक सारे वो उल्टे हो जाते हैं। जैसे अब 1 0 0 0, अगर मैं इस वाली नंबर से बोरो लूँ तो क्या होगा, ये वन और ये जीरो, ये उल्टे हो जाएंगे। क्यों उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में बोरो ये थोड़ा लेगा इसके पास, ये तो खुद ही जीरो है, तो इसके पास बोरो कहाँ से लेगा, ये इससे लेगा, ये वाला बोरो इससे लेगा, तो इससे ये वाला वन बोरो में चला गया, ये 1 0 आ गया, फिर ये वाला 1 0 आ गया, फिर 2 में से 1 मैंने सब्ट्रैक्ट किया वन, फिर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया वन। तो ये वाले जो जो नंबर होते हैं 1 0 0, अगर मैं यहाँ से बोरो लूँ तो ये वाले सारे उल्टे हो जाते हैं, तो फिर ये वाले उल्टे हो जाते हैं, तो एक्चुअल कैलकुलेशन फिर अब इनसे होगी। तो इसी तरह मैंने इसमें किया, अब 0 1 0 0 था, मैंने जब बोरो लिया तो 0 में से 1 गया, 1 हो गया, अब 0 1 हो गया, क्योंकि यहाँ 1 मिल गया, मैंने 1 के पहले तक वो सारे उल्टे हो जाएंगे, फिर 1 माइनस 0 1, अब यहाँ पर आपका 0 आ गया, अब 0 आ गया, तो फिर वो बोरो लेगा, बोरो लेगा, बोरो इसके पहले वाले से ही बोरो मिल जाएगा, यहाँ पर 1 ही है, पहले वाले में ही 1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, अब ये 0 की तरह बिहेव करेगा, ये 1 आ गया, तो 1 में से, तो आपको जो हो गया वो 2 हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये 0 था, यहाँ से तो बोरो आएगा नहीं, तो फिर 2 में से 1 गया, 1 हो गया, फिर ये 0 आ गया, फिर मैंने यहाँ से बोरो लिया और बोरो हो गया ये 1, ये वाला 1 0 आ जाएगा, फिर 1 0 में से आएगा, फिर 0 1 0 में से मैंने सब्सट्रैक्ट किया, फिर आपका ये 1 आ गया, और यहाँ पर ये सारे उल्टे हो जाएंगे क्योंकि तब तक भी 1 नहीं मिलेगा। तो ये वाला मेथड हमारा सब्सट्रैक्शन का है, जब तक भी बोरो नहीं मिलता है वो सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो ये वाला जो मेथड था वो मैंने दोबारा आपको डिस्क्राइब किया, बहुत इजी मेथड है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें आप सीखेंगे तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक आधा मिनट का भी ये क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको सब्सट्रैक्ट करना था और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना था, तो उसका आंसर आ जाता। तो गाइस ये वाला था हमारा ट्रिक का लेक्चर, आपको ट्रिक के लेक्चर में सिर्फ 3 चीज़ों पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी एंड अलजेब्रा ऑफ बाइनरी। अलजेब्रा ऑफ बाइनरी में आपको बाइनरी एडिशन आप अच्छे से आता है तो आप बाइनरी एडिशन कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं आता बाइनरी सब्सट्रैक्शन थोड़ा टफ रहता है तो आप डेसिमल में चेंज करके भी कर सकते हैं उसको, या आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट डाल के भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसका आंसर कर देंगे आपको। तो ये 3 ही कैटेगरी थी बाइनरी नंबर्स में, आप इन 3 कैटेगरीज को अच्छे से करके जाइए, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस लेक्चर को ध्यान से करें और इसमें जो क्वेश्चन इसके बाद दिए गए हैं उनको ध्यान से प्रैक्टिस करें, तो आप किसी भी एनडीए क्वेश्चन को, आपको बाइनरी सिस्टम का कोई भी नंबर क्वेश्चन जो होगा एनडीए का वो बच नहीं पाएगा। तो गाइस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।